नाज़रीन, आज की बीटी टिप्स है होममेड ब्लीच क्रीम। तो इसके लिए मैंने ये अज़ा लिए, कॉर्नफ्लोर 2 टेबल स्पून, मुलेठी का पाउडर 1/2 टेबल स्पून, विटामिन ई ऑइल हम थोड़ा सा डालेंगे 4 से 5 कतरे, बेकिंग सोडा 1 टेबल स्पून, और इसमें हम डालेंगे आलू लेके मैंने छोटा, उसको मैं जूस निकाल लूँगी इसका। इसका हम जूस निकाल लेंगे। ये हमने इसका आलू का जूस निकाल लिया है। इसमें हम डालेंगे कॉर्नफ्लोर 2 टेबल स्पून, मुरेठी पाउडर 1/2 टेबल स्पून, चार से पांच कतरे, और बेकिंग सोडा। ये सब चीजें डाल के हम इसे मिक्स कर लेंगे। हम आलू के जूस के साथ मिक्स करेंगे कि ये एक पेस्ट बन जाए। इतना डालेंगे कि ये एक पेस्ट बन जाए। सबसे पहले हम अपने फेस को धो लेंगे, धोने के बाद ड्राई कर लेंगे, फिर ये मास्क हम लगाएंगे पूरे फेस पे। या फिर जहां का आप कलर फेयर करना चाह रहे वहां पे लगाएं, पांव पे भी लगा सकते हैं, हाथों पे भी और चेहरे पे भी, गर्दन पे जरूर लगाया करें। देखिए जी, ऐसे लगाएं, लगाने के बाद इसको छोड़ दें 10 से 15 मिनट, ये ड्राई हो जाएगा। हल्के हाथों से इसका मसाज करेंगे और फिर इसको धो लेंगे। तो मैं ये देखिए जी, ये ड्राई हो गया है। इसे मैंने 5 मिनट छोड़ा था, ज़्यादा नहीं छोड़ा मैंने इसे, 5 मिनट छोड़ा था। आप लोग भी इसे 5 से 7 मिनट छोड़ दीजिएगा, और जब ये हल्का सा ड्राई हो जाए तो इसको हल्के हाथों से, हाथ को गीला करके हल्के हाथों से इसका मसाज करें। अब मैं इसे धो लूंगी। तो ये बहुत अच्छा है स्किन के लिए, इससे आपकी स्किन फेयर होगी, दाग धब्बे दूर होंगे, और इससे लेकिन बाल जो हैं हाथों पे बाल जो हैं वो गोल्डन नहीं होंगे, सिर्फ स्किन वाइट होगी। तो ये बनाएगा, मुझे बताएगा कैसा लगा। अच्छा लगे थम्स अप कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा, मेरी वीडियो को अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर करें, अगर आप लोगों ने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको बहुत ईजी आसान ब्यूटी टिप्स मिलेंगी, जो सारी चीज़ें आपके घर में मौजूद होंगी। और तो ये बनाएगा, मुझे बताएगा कैसा लगा। अच्छा लगे थम्स अप कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा, मेरी वीडियो को अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर करें। मेरा फेसबुक पेज है, उसे लाइक कीजिएगा, रानी ब्यूटी टिप्स, वहाँ पर भी बहुत सारी वीडियो अपलोड है, वो भी देखेगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है इस वीडियो के मुतालिक या मेरी किसी भी वीडियो के मुतालिक, तो मुझे यूट्यूब पर क्वेश्चन करें, कमेंट दीजिएगा और शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।